इस ट्यूटोरियल में हम माया की टेक्सचरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसकी यूवी टेक्सचरिंग माया अपने आप कर लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्फीयर की जो यूवी मैपिंग है यहाँ यूवी एडिटर में दिखाई दे रहा है। यूवी एडिटर मैं पहले यहाँ से यूवी एडिटिंग इस मोड में शिफ्ट होता हूँ। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट आप लेते हैं उसकी यूवी मैपिंग आप यूवी एडिटर में देख सकते हैं। इस तरह से जितने सारे आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, आप मॉडलिंग करते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स की यूवी मैपिंग माया खुद ही कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी उस यूवी मैपिंग अच्छे नहीं होता है। अब मैं दिखाती हूँ, इस सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट करता हूँ। मैं इसकी वॉल को आइसोलेट कर लेता हूँ कंट्रोल वन प्रेस करके। पहले मैं हाइपरशीट पैनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद क्रिएट से मैं यहाँ पे ये ब्लिन अप्लाई करती हूँ। इसकी रीनेम करती हूँ। पहले एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। इमेज इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से ग्राफ नेटवर्क इमेज इंपोर्ट करने के लिए इसमें क्लिक करना है। अगर आपका इस मूड में है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस मूड में आएगा। आने के बाद यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं एक कलर पैनल की कलर पैनल में दो नोट्स आए हैं। ये है इमेज इंपोर्ट करने के लिए, ये टेक्सचर की कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करके यहाँ से टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले एक इमेज लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें टेक्सचर इमेज में वॉल की एक टेक्सचर ओपन करता हूँ। यहाँ से हार्डवेयर टेक्सचरिंग ये ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस वॉल में जो टेक्सचर आया है वो सही है, लेकिन उसकी साइड में ये साइड में आप देख सकते हैं ये जो टेक्सचर आया है ये सही नहीं है, क्योंकि ये माया अपने आप यूवी मैपिंग कर लिया है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें यूवी मैपिंग करना है। यूवी मैपिंग करने के लिए यहाँ बहुत सारे प्रोसेस दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक कैमरा प्रोजेक्शंस, कैमरा बेस्ड प्रोजेक्शंस, सिलिंड्रिकल, प्लेनर, स्पाइरल, ये बहुत सारे प्रोसेस है। आप किसी भी प्रोसेस यूज करके ये यूवी मैपिंग कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑटोमेटिक ये यूज करके दिखाते हैं। यहाँ से फेस सिलेक्ट मोड में जाना है। फेस सिलेक्ट मोड जाने के बाद जो फेस को आप ऑटोमेटिक प्रोजेक्शंस करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करना है। मैं ये सारे फेस को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये सारे फेस सिलेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये फेस सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक प्रोजेक्शंस क्रिएट टू ऑटोमेटिक की जो ऑप्शन बॉक्स है ये ओपन कर सकते हैं। मैं इसकी एडिट टू रीसेट करती हूँ, ये अप्लाई करती हूँ। अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा जो वॉल में जो टेक्सचर आया है इस तरह की टेक्सचर आया है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद यहाँ मेरे ये इमेज को मैं ऑफ करती हूँ, इसको साइड में मूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट इसको स्केल करता हूँ। इसे ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं
इस तरह की टेक्सचरिंग आया है। इसे स्केल करके आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से क्रिएट ऑटोमेटिक ए सिलेक्शन कर सकते हैं, कैमरा बेस्ड सिलेक्शन, कैमरा बेस्ड प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल प्लेनर। तो मैं नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल में उसमें एक एक की डिटेल्स में बात करेंगे, अभी जस्ट यूवी एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये थी ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन, ऑटोमेटिक यूवी मैपिंग प्रोजेक्शंस। तो हम अभी देखेंगे प्लानर मैपिंग के बारे में। प्लानर मैपिंग क्या है, इसे मूव करती हैं, मूव करने के बाद इसे सेलेक्ट करना है, हम प्लानर मैपिंग करना चाहते हैं। प्लानर मैपिंग इसकी ऑप्शन बॉक्स में आना है। मैं एक्स एक्सिस की यह है ऑप्शन बेस्ट प्लान, यहाँ से सॉरी बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ से एक्स की ऊपर मैं मुझे ए मैपिंग करना है। तो एक्स सिलेक्शन करना है, अप्लाई ये करने के बाद हमें इस तरह से मैपिंग आएगा। लेकिन ये वॉल तो ठीक हुआ है, लेकिन इसकी जो ऊपर की जो फेस है, ये फेस ये सारे फेस अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये टॉप की और बॉटम की फेस सिलेक्ट करना है। बाद में इसे प्रोजेक्शंस करना है वाई की ऊपर, अप्लाई करने के बाद इसे मूव करना है। अब भी आप देख सकते हैं ऊपर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। तो इसे वाई अप्लाई, आप देख सकते हैं इस तरह से आप ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत इजीली आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। ये है प्लेनर मैपिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैमरा बेस्ड मैपिंग। सो यहाँ से भी आप ये सारे ऑप्शंस को पा सकते हैं, और यहाँ से भी आप ये सारे ऑप्शंस को कैमरा बेस्ड, यहाँ से सिलिंड्रिकल, प्लेनर, स्पाइरल, ऑटोमेटिक, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से भी पा सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कैमरा बेस्ड मैपिंग, कैमरा बेस्ड मैपिंग के बारे में। तो ये मॉडल की जो फेस कैमरा के सामने रहेगी और सिलेक्टेड रहेगी, सिर्फ वही फेस प्रोजेक्शन होगी। आप एडिट टू रीसेट एंड नेक्स्ट अप्लाई, आप देख सकते हैं कैमरा के सामने जो फेस है सिलेक्टेड है वो प्रोजेक्शन हो जाएगी। और इसे स्केल करके आप टेक्सचरिंग को सही कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए आप इसको कैमरा के सामने रखना है, और यहाँ से ये मैपिंग अप्लाई करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो काम माया सॉफ्टवेयर खुद नहीं कर सकते वो उस काम को आसान करने के लिए हम ये सारे जो ऑप्शन है
प्रोजेक्शंस की मैपिंग की, ये सारे यूज़ करके आप आसानी से टेक्सचरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके एक एक की डिटेल्स में जाएंगे।